नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम कंपनी ऑडिटर को किस प्रकार हटाया जा सकता है, अर्थात किस प्रकार उसको अब उसके पद से हटाने की जो विधि है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर प्रथम अंकेक्षण को हटाया जाना, जो फर्स्ट ऑडिटर है उसको किस प्रकार हटाया जा सकता है। यदि कंपनी के प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति कंपनी के संचालकों ने दी है तो उन्हें कंपनी की साधारण सभा में एक प्रस्ताव पास करके हटाया जा सकता है। छात्र ध्यान दें फिर कि अगर प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति, प्रथम ऑडिटर की नियुक्ति कंपनी के संचालकों ने दी है तो उसको एक साधारण सभा में बहुमत पास करके उसको हटाया जा सकता है, अर्थात प्रस्ताव पास करके उसको हटाया जा सकता है। ये सेक्शन 204(5)(a) के अंतर्गत आता है। अन्य विधि से हटाया जाना, अन्य ऑडिटर को कंपनी की साधारण सभा में उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है, जबकि केंद्र सरकार से उसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी, उसको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक है। अगर अन्य किसी ऑडिटर को साधारण सभा में हटाया जाता है तो उसको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी आवश्यक हो जाती है। हटाए जाने की विधि, एक ऑडिटर को हटाए जाने की विधि वही विधि होगी जो अवकाश ग्रहण करने वाले ऑडिटर के स्थान पर अन्य व्यक्ति को नियुक्ति करने की विधि है। इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंतर्गत हटाया जाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के अंतर्गत किसी ऑडिटर को हटाया जाता है तो निम्न कारण हो सकते हैं। नंबर एक, उसकी मृत्यु हो जाने पर। नंबर दो, उसने सदस्यता हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया हो, अर्थात एक ऑडिटर CA इंस्टीट्यूट का सदस्य होता है और उसने अपनी सदस्यता त्यागने का प्रपत्र इंस्टीट्यूट को दे दिया है तो वो है पद से हटाया जा सकता है। यदि उसने CA इंस्टीट्यूट की निर्धारित फीस नहीं चुकाई है और फीस चुकाने में असमर्थ रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट में वर्णित डिसेबिलिटी आ गई हो, अगर उसके अंतर्गत कोई डिसेबिलिटी आ गई है तो निम्न माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। अब हम कंपनी ऑडिटर के रेमुनेशन के बारे में बात करेंगे। कंपनी ऑडिटर का क्या पारिश्रमिक है? कंपनी ऑडिटर का पारिश्रमिक यदि अंकेक्षण की नियुक्ति संचालकों द्वारा दी जाती है तो उसका पारिश्रमिक निर्धारित संचालक ही करेंगे। यदि ऑडिटर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है तो उसके पारिश्रमिक का निर्धारण भी केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाएगा। यदि ऑडिटर की नियुक्ति कंपनी की साधारण सभा में नियुक्ति दी गई है तो उसका पारिश्रमिक भी कंपनी की साधारण सभा में ही तय किया जाएगा। यदि कंपनी द्वारा अंकेक्षण के व्यय से संबंध में कोई रकम चुकाई गई है तो उसको पारिश्रमिक में शामिल किया जाएगा। ऑडिटर का पारिश्रमिक का उद्देश्य ऑडिटर के द्वारा व्यय किए गए संबंध में कंपनी द्वारा चुकाए गए किसी भी राशि को शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें शुल्क व्यय ऐसी सेवाओं के लिए अन्यथा चुकाए गए कोई पारिश्रमिक लाभ हानि खाते में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नंबर एक, इसमें ऑडिटर के रूप में या परामर्शदाता के रूप में या किसी अन्य रूप में उसकी नियुक्ति हो। यदि कोई ऑडिटर नियोक्ता कोई से व्यवसाय के लाभ में प्रतिशत या पारिश्रमिक स्वीकार करता है तो यह दुराचार या नियम के विरुद्ध है और अर्थात उसको दोषी माना जाएगा। पारिश्रमिक का भुगतान, एक ऑडिटर के पारिश्रमिक का भुगतान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है यह कंपनी द्वारा ही तय किया जाएगा। ऑडिटर के पुस्तकों में ग्रहण अधिकार, यदि कंपनी, यहाँ पर देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, ग्रहण अधिकार क्या होता है? ग्रहण अधिकार के बारे में आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। ग्रहण अधिकार एक, अगर कंपनी ऑडिटर के पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करती है तो कंपनी के जो ऑडिटर है वह उनकी पुस्तकों को ग्रहण अधिकार के रूप में यानी अपने पास नहीं रख सकता। अपने पास अगर ऑडिटर ये नहीं कह सकता कि ये पुस्तकें मैं तब तक अपने पास रखूँगा कि जब तक मेरा भुगतान नहीं कर दिया जाए, ये अधिकार ऑडिटर के पास में नहीं है। हटाए गए ऑडिटर का पारिश्रमिक, यदि हटाए गए ऑडिटर का कोई लेखाकार वार्षिक फीस पर नियुक्त किया जाता है तो उसके मध्य में हटा दिया जाता है तो उसे पूरे वर्ष की फीस दी जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें कि किसी ऑडिटर की नियुक्ति पूरे वर्ष के लिए की जाती है और उसको वर्ष से पहले ही यानी वर्ष के मध्य में ही उसको हटा दिया जाता है तो उसको पूरे वर्ष की फीस का भुगतान किया जाएगा।
कंपनी ऑडिटर के अधिकार, कंपनी ऑडिटर के पास में कौन से अधिकार हैं? कंपनी अधिनियम में अंकित के कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वह अपने कार्य का संपादन सुचारू रूप से कर सके। इन अधिकारों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया गया है। कंपनी ऑडिटर के निम्न अधिकार हैं। कंपनी की पुस्तकों, खातों व प्रमाणकों तक किसी भी समय पहुंच सकता है। कंपनी ऑडिटर के पास में यह अधिकार है वह कि कंपनी की पुस्तकों, कंपनी के खातों या प्रमाणकों यानी वाउचर के पास में किसी भी समय वह पहुँच सकता है, यानी उसके अधिकार क्षेत्र में होते हैं हर समय। इसमें हमारे पास में कुछ पॉइंट दिए गए हैं। हर समय एट ऑल टाइम, अंकितों को यह अधिकार है वह किसी भी समय में बिना किसी पूर्व सूचना से कंपनी की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। पुस्तक लेखों का प्रमाणकों की जांच करना। ऑडिटर को यह भी अधिकार है कि पुस्तकों की में जो एंट्री है उन एंट्री की प्रमाणों को यानी वाउचर से मिलान कर सकता है वह किसी भी समय कर सकता है। इसमें पहले किसी प्रकार की सूचना देना आवश्यक नहीं होता। यहाँ पर पहुँच का अधिकार, ऑडिटर की पुस्तकों पर पहुँचने का पूर्ण अधिकार होता है। कंपनी का वह सेवक होता है कंपनी द्वारा नियुक्त किया जाता है। यदि कंपनी नहीं चाहती कि ऑडिटर अपना कार्य करे तो वह न्यायालय के माध्यम से भी कंपनी को मजबूर कर सकता है। यानी एक बार ऑडिटर को नियुक्त कर दिया जाए तो ऑडिटर अपना कार्य करेगा। अगर कंपनी के अधिकारी ये नहीं चाहते कि ये ऑडिटर अपना कार्य नहीं करे तो वह ऑडिटर अपना कार्य करने के लिए कोर्ट की शरण भी ले सकता है, यानी कोर्ट से आदेश भी पारित करवा सकता है। ये हमारे पास में कुछ कंपनी ऑडिटर के कुछ अधिकार दिए गए हैं। आप इन अधिकारों को एक बार सही रूप से पढ़िए और देखिए इसमें कुछ अधिकार इस प्रकार और हैं। सूचनाएं, स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। ऑडिटर के पास में यह अधिकार है कि वह समस्त सूचनाएं, स्पष्टीकरण कंपनी के संचालक मंडल से मांग सकता है या कंपनी के अधिकारियों से मांग सकता है कि किस प्रकार की सूचनाएँ हैं। साधारण सभा को नोटिस व सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार। कंपनी ऑडिटर साधारण सभा को नोटिस दे सकता है। सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है, वह सूचनाएं मांग सकता है और कंपनी के साधारण सभा के जो संचालक मंडल के जो अधिकारी हैं वह सूचनाएं ऑडिटर को अवेलेबल करवाएंगे, यानी उनको पहुंच में करवाएंगे। कंपनी की शाखा के संबंध में अधिकार। यदि किसी कंपनी की ब्रांच है तो ब्रांच के हिसाब किताब को भी ऑडिटर की जाँच कर सकता है। उसमें कार्यालय अर्थात ब्रांच कार्यालय में जाने का अधिकार भी ऑडिटर के पास है, उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। कंपनी के विधान में 2 सेक्शन 201 के अनुसार कंपनी अपने अंतर्नियम द्वारा अंकेषण के ऐसे दायित्व, ऐसी दीवानगी, फौजदारी मुकदमे में अपने रक्षक करने के लिए किया जाता है, क्षतिपूर्ति के लिए राजी हो सकता है, बशर्ते ऑडिटर को मुकदमे या मुक्त कर दिया गया हो। नेक्स्ट, कर्मचारी को ईमानदार मानने का अधिकार। ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक कर्मचारी को ईमानदार माने, वह उनको सबकी दृष्टि से नहीं देख सकते। यहाँ पर एक पॉइंट यह आता है कि ऑडिटर रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। रखवाली करने वाला कुत्ता हर किसी व्यक्ति को मतलब कि सबकी दृष्टि से नहीं देखता, और जो एक शिकारी कुत्ता होता है वो हर व्यक्ति को शिकार की दृष्टि से देखता है। अर्थात ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक कर्मचारी को ईमानदार माने। अंतिम खाते तैयार करने करा के प्राप्त करने का अधिकार। ऑडिटर कंपनी के लेखापालकों से अंतिम खाते तैयार करवा कर उन्हें प्राप्त करने का अधिकार रखता है। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार। ऑडिटर यदि अपना कार्य समाप्त कर लेता है तो उसे पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बारे में हम पहले से विस्तार से बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो वीडियो होगा उसमें हम ऑडिटर के कर्तव्य यानी ऑडिटर की क्या ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ऑडिटर की ड्यूटी कंपनी के द्वारा, न्यायालय के द्वारा या चार्टर्ड एक्ट के द्वारा नियुक्त की गई हैं। इन ड्यूटियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग इन सभी नियम को सिस्टमेटिक रूप से पढ़िए। नहीं समझ में आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से संपर्क कीजिए। और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोग GST की बुक परचेज कर लीजिए। आप लोगों के रिस्पॉन्स न के बराबर आ रहे हैं तो आप लोग GST की बुक परचेज कीजिए और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे।
आप लोग ध्यान दें भाई, ये ऑडिटर कंपनी ऑडिटर है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आएगा, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ें। थैंक यू।